बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने पति आदिल खान देवरानी पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद आदिल को जेल जाना पड़ा। इसके बाद भी राखी आदिल पर हमलावर हैं। वो आए दिन नए नए खुलासे कर रही हैं। अब एक बार फिर राखी ने सोशल मीडिया के जरिए आदिल पर निशाना साधा है। इस बीच राखी सावंत ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से लाइव आकर अपना दर्द फैंस के बीच शेयर किया है। इसके साथ ही राखी सावंत आदिल को भी खूब खरी खोटी सुना रही हैं। एक बैड न्यूज सुनाने के लिए आपको सबको लाइव आई हूँ मैं। अभी अभी पता चला है कि आदिल जो है वो रोशन नाम नहीं लेना चाहिए ईरानी लड़की के साथ जो उनका धारा 376 में जो हुआ है मुझे कहना नहीं चाहिए रेप केस में, तो पुलिस स्टेशन में उसे बुलाया है और उसे मस्का लगा रहा है कि मैं राखी को डाइवोर्स दे रहा हूँ और तुमसे शादी करूँगा तो तुम केस वापस ले लो। मुझे पुलिस स्टेशन में बुला के मैसूर में ओशिवारा में बोला कि मैं वो पति चोर लड़की को और ईरानी लड़की को और हर दुनिया की हर लड़की को छोड़ दूंगा और सिर्फ तुम्हारे साथ घर बसाऊंगा। ओ माई गॉड आदिल यू आर फुलिश, आदिल तुम बहुत गलत कर रहे हो, आदिल तुम हर औरत को यही कहते हो, आदिल स्टॉप, तुम जेल तक पहुंच गए, हर औरत को बेवकूफ बनाना बंद करो इंक्लूडिंग योर वाइफ। अच्छा कोई भी लड़की तुमसे शादी करेगी, मैं तो डाइवोर्स दूंगी नहीं, मैं तो डाइवोर्स दूंगी नहीं। आप कैसे शादी कर सकते हैं? आप शादी कीजिए, मैं आप एक सू पे सू करूंगी, केस पे केस ठोकूंगी, एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का और एक डिचिंग टू वाइफ और एक कोर्ट मैरिज की। आपने सिर्फ मुझसे निकाह नहीं किया है, कितना सताओगे, मार डालोगे, इसका खून कर दिया आपने, दिल का जिंदगी का भी करोगे क्या खून। वीडियो के अंत में राखी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि चाहे जो भी हो जाए वो आदिल को तलाक नहीं देंगी, अगर वो ऐसा करते हैं तो वो उन पर एक के बाद एक कई केस करेंगी। बता दें राखी सावंत ने हाल ही में दुबई में अपनी एक्टिंग अकेडमी खोली है, जिसके जरिए वो एक नए एक्ट्रेस को बॉलीवुड में जगह देंगी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि राखी सावंत अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे झेलती हैं।